उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में शुक्रवार को जिला न्यायालय के जिला कार्यागार गोरखपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल लोक अदालत की सुनवाई की गई, जिसमें जेल लोक अदालत के लिए नामित पीठासीन अधिकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 शिवम कुमार के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह मौजूद रहे। शुक्रवार को आयोजित जेल लोक अदालत में कुल 59 मामले नियत की गई थी, जिसमें से 6 पत्रावलियों में अभियुक्त के जुर्म स्वीकार के आधार पर उनके मामले का निस्तारण किया गया। इसके संबंध में सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में अब प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के उपरांत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित बंधुओं को प्ले बार्गेनिंग के माध्यम से अपने मामले का निस्तारण कराए जाने के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अतिरिक्त उपस्थित बंदियों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया। राहुल कुमार सिंह, नहीं एक्चुअली कोविड काल में हम सभी जान रहे हैं कि फिजिकली हम कोई कैंप या कोई लोक अदालत का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी माननीय उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज माननीय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर की अध्यक्षता में हमारे इस न्यायालय परिसर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने जेल लोक अदालत का आयोजन किया था। इस जेल लोक अदालत में 51 बंदियों ने प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें से 6 मामले को सफलतापूर्वक निस्तारित कर दिया गया है तथा 7 अभियुक्तों को दोष स्वीकृति के आधार पर उनके मामले को ख़त्म किया गया है। ये जेल लोक अदालत कोविड काल में प्रत्येक माह लगना है, प्रत्येक माह के जो चौथा शुक्रवार होगा उस दिन जिला प्रशासन से और जेल अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए हमारे न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगना है। यह सब कब तक चलता है? ये अनवरत चलता रहेगा जब तक कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं आ पाता, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन माननीय उच्च न्यायालय और सालसा से प्राप्त है, तो ये अनवरत चलता रहेगा। और जहाँ तक जेल लोक अदालत की है तो ये जेल लोक अदालत तो नॉर्मल डेटों पे भी नॉर्मल समय पे भी लगता रहा है, लेकिन ये विशेष लोक अदालत जो लग रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कोरोना के अवधि में ही लगना है।